हमीरपुर में आज फिर एक हादसा हुआ है जिसमें एक अनियंत्रित ट्रक ने 9वीं क्लास की एक छात्रा को रौंद दिया है, जिससे उसकी अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। हादसे से आक्रोशित छात्राओं ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसे काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने खाली करा दिया है। ट्रक से कुचलकर छात्रा की मौत का यह मामला सदर कोतवाली इलाके में बेतवा पुल का है। यहां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली कक्षा 9 की छात्रा हिमांशी, जो हेलापुर की रहने वाली है, वह स्कूल जाते समय हादसे का शिकार हुई है। एक अनियंत्रित ट्रक ने छात्रा की साइकिल में टक्कर मारते हुए उसे रौंद दिया है और ड्राइवर ट्रक लेकर फरार हो गया है। हिमांशी के आगे पीछे चल रही छात्राओं ने अपने साथ पढ़ने वाली छात्रा को जब हादसे का शिकार हुए देखा तो इन्होंने जाम लगा दिया। फ्रेंड है वो, एक्चुअली वो हेलापुर से आती है, उसका साइकिल से आती है, उसका एक्सीडेंट हो गया। हम लोगों ने इतना देख नहीं पाए और दमकल से हुआ हेला से। फिर आप लोगों ने क्या किया यहाँ पर? हम लोगों ने साइकिल खड़ी करके अपना जाम लगा लिया, जो हमें हमारे दिमाग में आया वो हमने किया अपनी तरफ से, मतलब ये सब कुछ किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगम है। किस क्लास की हूँ? मैं इंटर में पढ़ती हूँ। किस क्लास की छात्र थी वो? वो कक्षा 9 की छात्र थी, वो स्कूल जा रही थी। हादसा और जाम की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने आनन फानन में छात्रा को जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो वहीं पुलिस ने छात्राओं सहित स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया है और अब पुलिस हादसे को अंजाम देकर भागे ट्रक की तलाश में जुट गई है। ट्रक से एक्सीडेंट हो गया रोड साइड बेतवा नदी के पास। बच्ची का नाम है मानसी, पिता का नाम है देव, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ती है, बेला गांव की रहने वाली, उम्र है 13 साल। शुभ नाम क्या सर आपका? डॉक्टर अमित कुमार। Thank you.